हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम ये प्रूव करेंगे कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्री। सबसे पहली बात तो ये है कि रेडियन और डिग्री दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स के यूनिट्स होते हैं, जिसमें रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट है। इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम लेंगे एक सर्कल। सर्कल का एक सेंटर होता है जिसको हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर हम कोई से दो पॉइंट्स ले लेते हैं, इनके नाम रख लेते हैं ए और बी। इन दोनों पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से मिला देते हैं। ये जो दोनों लाइनें हैं इनको हम रेडियस कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आर्क लेंथ ए बी है, इसके डिस्टेंस को हम रख लेते हैं एस। दोनों रेडियाई के दरमियान एक एंगल बन रहा है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और बाई डेफिनेशन थीटा is equal to the ratio of arc length to the radius of the circle, that is S over R. इसका SI unit radian होता है, वो इसके साथ आएगा। This is equation number 1. For one complete rotation, theta, ये जो S है, this is equal to C, and C is the circumference of the circle, और उसकी value होती है 2 pi R. इस सूरत में एंगल थीटा की जगह हम रखेंगे 360 डिग्रीज। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये बन जाएगी 360 डिग्रीज इज इक्वल टू एस की जगह 2 पाई आर ओवर आर इनटू रेडियन। आर आर से कट जाएगा तो इस तरफ बाकी बचेगा 2 पाई रेडियन और इस तरफ 360 डिग्री। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन यानी इसको इधर और इसको इधर 360 डिग्री। और अगर हम इक्वेशन की दोनों साइड्स पे 2 पाई से डिवाइड करें तो लेफ्ट साइड पे बचेगा हमारे पास 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 ओवर 2 पाई डिग्री। ओके, इसमें इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1 360 और 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये बाकी बचेगा 180 बाय पाई डिग्री। ये क्वेश्चन बजाते खुद एक रिलेशनशिप है रेडियन और डिग्री के दरमियान। पाई जो है इसकी वैल्यू 22/7 होती है और इन अदर वर्ड 3.14 होती है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर 3.14 साथ आएगा डिग्री। 180 को जब 3.14 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 57.3 डिग्री। तो इस तरह हमने प्रूव किया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।